उद्योगपति मुकेश अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस फिल्मी स्टाइल में बुधवार को आरोपी शख्स के घर आकर उसे ले गई। इस बात की जानकारी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि मनीगाछी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव से धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस अपने साथ ले गई है। एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को दो बार कॉल कर अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी, साथ ही अस्पताल को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाला शख्स मनीगाछी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव निवासी सुनील कुमार मिश्र का पुत्र राकेश कुमार मिश्र है। मुंबई पुलिस ने बुधवार को उसके आवास से उसे गिरफ्तार किया। जिस समय राकेश कुमार मिश्र की गिरफ्तारी हुई उस वक्त वो अपने घर पर मौजूद था। सादे लिबास में पहुंची पुलिस द्वारा गेट खटखटाने पर आरोपी राकेश ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के साथ ही पुलिस ने राकेश के मोबाइल पर कॉल किया। कॉल राकेश ने रिसीव किया, जिसके बाद राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी राकेश मानसिक बीमारी का शिकार है। राकेश के पिता सुनील कुमार मिश्र बिहार इंटर काउंसिल में कार्यरत हैं। मानसिक रोगी के सवाल पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार ने कहा कि ये बात जांच के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल मुंबई पुलिस आरोपी राकेश मिश्र को गिरफ्तार कर अपने साथ मुंबई ले गई है। वहीं मुंबई पुलिस ने कहा था कि बुधवार दोपहर 12:57 पर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर एक अननोन नंबर से फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी और अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों के नाम पर धमकी दी। पुलिस ने डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी। कल दोपहर में मुंबई पुलिस से फोन आया था हम लोगों को कि वहाँ एक हॉस्पिटल है जो अंबानी समूह के द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें सुबह और शाम दो बार धमकी भरी कॉल आई है हॉस्पिटल को उड़ा देने के संबंध में। और उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो दरभंगा में उसका लोकेशन पाया गया। उसके लिए वहाँ की पुलिस ने संपर्क किया था, तत्काल इसकी सूचना वहाँ के थाना प्रभारी को और अपनी टेक्निकल टीम को दी गई उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। और एक दो घंटे के अंदर ही वो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसका नाम राकेश कुमार मिश्रा है, पिता सुनील मिश्रा, ब्रह्मपुरा का रहने वाला, मनीगाछी थाना का। रात में देर रात्रि में मुंबई पुलिस यहाँ पर आई है उसको अरेस्ट कर और अपने साथ लेकर मुंबई में वहाँ पर न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए ले गई है। इस संबंध में विशेष जानकारी जो भी है केस के डिटेल में वो वहाँ पे मुंबई पुलिस ही दे सकती है। हम लोग को सहयोग करना था, वो हमारी पुलिस ने यहाँ पर किया। क्या है सर बैकग्राउंड, क्या है सुनील कुमार इसकी, राकेश कुमार मिश्र की, हमारे पुलिस रिकॉर्ड क्या है? पुलिस रिकॉर्ड ऐसा कुछ अभी नहीं मिला है हम लोगों को। हमारे जो लोकल थाना वहाँ पर तो कुछ नहीं है और हम लोग देख रहे हैं कहीं और कुछ हो तो बाकी डिटेल वहाँ से मुंबई पुलिस अपना खंगाल रही। बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं, क्या जानता है? इस संबंध में तो हम एक्सपर्ट नहीं हैं कि मानसिक स्थिति का किसी का आकलन कर सके। जो भी होगा वो तो वहाँ टेस्ट वेस्ट कराया ही जाएगा, अभी उनका टेस्ट होता ही है, मेडिकल टेस्ट तो कुछ होगा तो ऐसा, बट हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, अप्रूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको हम एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के। तो क्या राकेश कुमार के ही मोबाइल से सर धमकी दी गई थी, ये कन्फर्म है? जी हाँ, मोबाइल जो यूज़ किया गया था उन्हीं का।